हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। नरमिया सोए हुए थे, अभी दोनों उठ गए हैं और अभी हम लोग पैकिंग करने वाले हैं। और निया मेरा हेल्प करने वाली है, बट निया अभी कुछ खा रही है। क्या खा रही है निया? अच्छा, निया अभी ऑरेंज खा रही है। इसके पीसेस अलग करने से ना वो अलग तरह के हो जाते हैं, फिर वो निया खाती नहीं। निया को ऐसे ही खाना पसंद है। क्योंकि ये मौसमी ऑरेंज नहीं है। अच्छा, पैकिंग करने वाली हूँ। ये सब जो भी पार्टी वेयर है ये सब कुछ भी नहीं लेके जाऊंगी, बट एक लेके जा रही हूँ मैं, ये वाला। आपने मुझे ये न्यू ईयर पे भी पहने हुए देखा होगा, ये वाली ड्रेस। निया, ऑरेंज खाने के बाद निया क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग। निया स्ट्रॉन्ग कैसे? देखो मम्मी, मैं स्ट्रॉन्ग हो गया। कैसे हो जाएगी स्ट्रॉन्ग? ऐसे। कैसे? अच्छा, ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वाह। सो गाइस, देखिए मैं कैसे पैकिंग करूं। मैंने पैकिंग जस्ट स्टार्ट ही किया है अभी, और देखिए। The next day. Hey guys, welcome back to the channel. कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम लोगों को थोड़ी शॉपिंग करनी है, मतलब गिफ्ट्स की शॉपिंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, और मुन्नी आई है, उसको चाबी देनी थी। तो वो हमारे पीछे में आएगी जब उसका मन करेगा, आके थोड़ा क्लीन वगैरह करेगी। मुन्नी से भी मिल लीजिए। अस्सलामुअलैकुम मैडम, सुबह में मेरे को कॉल किया है, बोलते हैं मुन्नी आ जाओ, सैलरी लेके जाओ और चाबी लेके जाओ। तो मैडम लोग 15 दिन का लेकर जाना है, तो आप लोग कैसे है? ठीक है। तो 15 दिन का बाद में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी याद करता है ना कि मुझे पता नहीं, याद करता है आपको ना कि नहीं करता है? पता नहीं है। अभी मैडम लोग भरोसा है इसलिए चाबी दिया जाता है मेरे को। मैडम लोग तो जितना बार इंडिया में गया है उतना बार मेरे को चाबी दिया गया है, तो वो भगवान जन विश्वास रखता है, वही मेरे को बड़ो है चीज, और कुछ नहीं है। चलिए, 15 दिन के बाद आप लोग भी मिलेंगे, हम लोग भी मिलेंगे। हम लोग अभी निकल रहे हैं। बाय बाय। गाइस, हम लोग आके घर, अभी बज रहे हैं शाम के 6। हम लोग गए थे कुछ कपड़े लाने बच्चों के, और भी कुछ सामान और डेट्स लाने गए थे। अनिमेशकल लेकर नहीं आए थे, और एक्चुअली बैग्स भी लेने थे हमें, वो हम लोग लेकर नहीं आ पाए। अनिमेश अभी फिर से गए हैं अकेले, क्योंकि नब यहाँ साथ में तो ये परेशान हो रहे थे, इनको सोना था। तो गाड़ी में जितना सो पाए उतना सो पाए, घर आना था इनको। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं। एक्चुअली डेट्स हमने ना 2-3 तरह के लिए हैं। वो एक ऐसे हैं, ये एक, ये और ऐसे वाले जो होते हैं ये। तो मुझे तो लगता है 12-13 kg के डेट्स ही होंगे, इतने सारे पैकेट हैं ये। और थोड़ा बहुत कुछ कुछ सामान है, ये जैसे फ्रिज कवर वगैरह ये है, और बच्चों का सामान जो होता है ब्रश के साथ, जो कार्स टॉयज वगैरह होते हैं वो सब है, वो सब लिया है। वो सब मैं आपको बाद में दिखा दूंगी जब इंडिया जाऊँगी तब। और कुछ लिया है आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे टी शर्ट्स लिए हैं, ये टी शर्ट्स हैं कुछ, और है ब्लू दो, एक ब्लैक। तो ये टी शर्ट्स है कुछ, आपको एक दिखा देती हूँ ये। तो ऐसे ही ये ब्लू वाले भी दो। मैं आपको ये बच्चों वाले कपड़े दिखा देती हूँ। और कल सुबह हमें निकलना है, और अभी तक पैकिंग नहीं हुई है। नवनिया का बैग मैंने पैक कर दिया है, अनिमेश का भी सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, और एक जो गिफ्ट वाला बैग पैक करना था वो नहीं किया था, क्योंकि हमने सोचा था जब सारा सामान एक साथ आ जाएगा, डेट्स वगैरह आ जाएंगे तब फिर पैक करेंगे। और मेरा सामान भी मैंने थोड़ा बहुत ही रखा है, बाकी बचा हुआ है, काम बहुत है अभी, और कल निकलना है, देखते हैं क्या होता है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर अनिमेश बैग लेके आएंगे, फिर देखते हैं क्या कैसे होता है। अब मुझे लगता है कल ही आपसे मिलना हो पाएगा, देखते हैं, ये ब्लॉग अभी कंटिन्यू रहेगा। एक जेगिंस लिया है, ये एक लिया है, यही लाने, बच्चों का ही कपड़ा लाने हम लोग गए थे। ये एक लिया है, ये मुझे बहुत पसंद है ऐसे करना।
ये एक जीन्स लिया है, ये एक लिया है, ये कुछ 3D इसमें है शायद, और ये एक है पता नहीं इसमें क्या, ये एक टी शर्ट है। तो ये जो भी कपड़े ये किन के लिए लिए हैं वो जब मैं इंडिया जाऊंगी तो आपको पता चलेगा। तो यही सारा सामान है बस। अभी अनिमेश ये दोनों बैग्स लेकर आए हैं, तो जा रही हूँ मैं अभी पैकिंग करने। और इन दोनों को देखिए घूम के आए हैं, मैंने सोचा सोएंगे दोनों, दोनों एयरपोर्ट जा रहे हैं खेल खेल में। The next day. Hey guys, good morning. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। अभी अनिमेश गए हैं जतिन भैया को लाने क्योंकि वो हमें ड्रॉप करेंगे हमारे कार से। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। हम लोग निकल चुके हैं, ये बैग मेरा है जिसमें और भी सारा सामान है। ये एक पूरा बैग खाली हो जाएगा क्योंकि इसमें गिफ्ट वाला सामान है और इसमें भी थोड़ा सामान है गिफ्ट वाला। बाकी वो अनिमेश का बैग है और ये नवनिया का बैग है। प्रणाम पड़े हैं हमारे बच्चे को, प्रणाम करना के नहीं, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए पैर छू के, वैसे तो नहीं करता, इंडिया जा रहे हैं। बाय बाय बाय, चलो ओके, चलो बाय बाय। देखो चेक इन हो गई और अभी हम लोग बैठ के हैं थोड़ी देर यहाँ पर, जाएंगे अभी बोर्डिंग में टाइम है। आज अयान का हैप्पी बर्थडे है, क्या दे रही हो गिफ्ट? अभिनंदन आभा करते रहें हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। तो अभी हम लोग दुबई एयरपोर्ट पे हैं, बोर्डिंग के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। चेक इन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले माफ़ कीजिएगा देर से अभिनंदन आभार करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जब जर्नी होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अभी जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, सेल्फ डिक्लेरेशन एयरलाइन में डिक्लेयर करो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी मेस हो जाती हैं। इसीलिए थोड़ी देरी से, बट देर से ही सही, लेकिन अभिनंदन आभार है। तो और चलिए फिर देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, बने रहिए श्वेता के साथ। फ्लाइट में जाने से पहले नवनिया के लिए कुछ आया है, अभी सब ब्रेकफास्ट करेंगे।
फ्रेश ऑरेंज जूस है, निया को खट्टी लग रही है, क्या हो गया निया? निया वो खा ही नहीं रहा, उसको एरोप्लेन पे जाना है। यू ईट दिस। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग गेट पर। बैठ गए हम लोग फ्लाइट में और देखिए ना अपनी यहाँ की एक्साइटमेंट। हाँ पीछे अपने बड़े बैग को अपने सारे सीटों के ऊपर वाले वो है टिप में रखे और छोटे बैग को अपने बैग को सही रखे। वॉच धन्यवाद। फूड प्लीज। आर यू हंग्री? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? Nia, Nia, give me a smile. Anaya. Help me! Help me! ये हमारा खाना आ गया है और नव सो गया है, इसीलिए नव का हमने तैयार नहीं करवाया। निया का भी तैयार करा। ये मेरा अनिमेश वेट कर रहे हैं 8 मिनट होने का। अभी हम लोग बेल्ट नंबर 13 पे बैगेज कलेक्शन के लिए। ना फ्लाइट में सो गया था तो उसको जो जूस मिली वो पी नहीं पाया। एक बैग मिला, अभी शायद दूसरा भी मिल गया, तीसरा भी आ रहा है। कुछ ऐसी परेशानी नहीं हुई, सब कुछ ठीक रहा। बट एक परेशानी हो गई आते आते कि जो हमारा जियो का सिम था, मेरा और अनिमेश का, दोनों बंद हो गए हैं। काफ़ी टाइम से वो नंबर हम यूज़ कर रहे थे इंडिया में और अचानक से अभी बंद हो गए, जबकि हम लोग रिचार्ज भी कराते थे, सब होता था। इधर नवंबर के बाद हमने शायद उसको रिचार्ज नहीं कराया है, क्या हुआ नहीं हुआ। फ़ोन भी मैंने चेंज किया था इसलिए ऐप से भी मैं लॉग आउट हो गई थी। सिम्स काम नहीं कर रहे हैं, अभी देखना पड़ेगा क्या करना है। अभी हम लोग आ गए टैक्सी के पास, जा रहे हैं अभी हमें जहाँ जाना है वहाँ।
आ गए हम लोग हमें जहाँ आना था। हाँ शूज खोलो भैया। सो सब आ गए हैं और सब थक चुके हैं। ये वाला प्रॉपर्टी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। निया क्या कर रही है? निया को देखिए कितना काम कर रही है। निया सारे बैग्स को अरेंज कर रही है एक जगह पे। और नब तो घर में भी ये शेड्स लगा के घूमता है। सो गाइस आ गए हम लोग। थक तो नहीं गए हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी थक गए हैं, थके नहीं है इतना। बस एक प्रॉब्लम हो गई, सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ ठीक था। एक ही प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे सिम जो भी थे मेरे और अनिमेश के, दोनों बंद हो गए हैं। जियो वाले जो हम यूज़ करते थे इतने दिनों से, और हमें नया नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि वो नंबर वापस से चालू नहीं हो सकता। और ये अभी थोड़े दिन पहले ही बंद हुआ है, मतलब करीब 5 से 7 दिन पहले ही बंद हुआ है। मतलब इसको क्या बोलूँ अभी, मैं बहुत बुरा लग रहा है। देखती हूँ क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे सेटल हो जाए, जो यहाँ के केयर टेकर हैं अनिमेश उनसे सारा कुछ पूछ रहे हैं, वो सब बता रहे हैं कहाँ पे वॉशिंग मशीन है, कैसे क्या चलेगा, एसी का रिमोट, ये सब कुछ बता रहे हैं और कहाँ पे सारी चीजें हैं। और ना कैसा लग रहा है ना? अच्छा। अच्छा लग रहा है? अच्छा मैं भी अच्छी लग रही हूँ, वाह थैंक यू। अभी थोड़ा हम लोग सेटल हो जाते हैं, अभी अनिमेश बाहर निकलेंगे, आसपास देखेंगे क्या कैसे मिलता है। और कल हमें डॉक्टर के पास जाना है। अभी 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि आप देख रहे हो थोड़ा बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, और इसी वजह से कमेंट्स की भी रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं टाइम मिल रहा है। अब ये वाला वीडियो भी कल जाएगा, कल एडिट करके डाल पाऊंगी। अभी इंडिया ट्रिप पे हूँ लेकिन कुछ काम से भी आई हूँ, तो इसीलिए शायद थोड़ा गैप होगा वीडियोज में। देखती हूँ क्या कैसे होता है। तो यही बताना था, हम लोग सेफली पहुँच चुके हैं। आगे जैसे जो होता है हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे, आगे आप हमारे ब्लॉग्स में देखोगे क्या कैसे। तो चलिए गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।